2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जो सीटों का बंटवारा है वह कहीं न कहीं महागठबंधन में जो होना है उसको लेकर के लगातार पेंच फंसने की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि जब नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग में टी राजा सहित और अन्य जो इंडिया अलायंस के नेता थे उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद से भी कहीं न कहीं जो सीटों का बंटवारा है वो कहीं न कहीं अभी भी इसमें पेंच फंसा होगा। उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो भी कहीं न कहीं अभी भी हम ये कह लें जो सीटों के बंटवारों को लेकर के परेशान है। तमाम बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी हैं। कैसे देखते हैं, जब उस दिन मुलाकात हुई थी उसके बाद ये कहा जा रहा था जो जो सीट का बंटवारा होना है उसके रिगार्डिंग जो है मुलाकात हुई है या फिर अन्य जो बातें सामने आ रही थी उसके रिगार्डिंग मुलाकात, लेकिन जो बाहर बाद में बातें सामने आई वो यह थी जो कहीं ना कहीं जो सीपीएम वाले हैं वो भी अपना मांग जो है वो रख रही है, जो और खास करके जदयू के बारे में ये कहा जा रहा है जो वो कहीं ना कहीं जब सीट में थोड़ी सी उनका जो आंकड़ा अगर वो कम होता है तो फिर सबको जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन जदयू की तरफ से ये बातें आज भी इससे पहले भी कई दफे ये कही जा चुकी है जो सिटिंग एमपी है उस पे कोई समझौता करने की बात ही नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो परेशानी की वजह जो मिलने के बाद जो डी राजा की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार से उसके बाद भी जो है परेशानी खत्म नहीं हो रही है और परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखाई दे रही, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अंशुभ, इसमें समझने की बात यह है कि इंडिया अलायंस में सीटों का समझौता कुछ भी नहीं हो रहा है, बंटवारा नहीं हो रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दावेदारी चल रही है और सारे दल एक दूसरे नेता से मिल करके अपना अपना दावा प्रस्तुत कर दे रहे हैं कि मुझे तो इतनी सीटें चाहिए। अब नीतीश कुमार के पास डी राजा वाला प्रकरण से शुरुआत करते हैं, हम सीपीआई के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, वहां से शुरुआत करते हैं। तो डी राजा ने जब मुलाकात की, डी राजा को मुलाकात करने की नौबत क्यों आई सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो डी राजा को मुलाकात करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखिये बिहार विधानसभा में दो विधायक हैं डी राजा की पार्टी के, सीपीआई के आरा माले के विधायक हैं और बाकी 43-45 के आसपास जेडीयू का है, 79 आरजेडी का और 19 कांग्रेस के विधायक हैं। अब डी राजा को जैसे ही ये जानकारी लगी कि आरजेडी और जेडीयू आपस में 17-17 सीटें बांट रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस वाले बाकी 6-7 सीटों पर अड़े हुए हैं और जो रेस्ट बचा हुआ है एक सीट वो माले को चला जाएगा, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। आनंद फानंद में दौरे दौरे भागे भागे वो पहुंचे, पहले नीतीश कुमार से मिले, नीतीश कुमार ने बोला कि हमको क्या बता रहे हैं, आप जाइए लालू जी के पास, चूंकि आपका अलायंस पहले से उन्हीं के साथ था, आप उनसे बात करिए, हमें तो 16 सीटें सांसद हमको तो लड़ना ही है, 17 पर भी हमारा दावा है, रेस्ट कितना में 24 सीटें बचती है या 23 सीटें बचती है उसमें आप लोग आपस में बंटवारा कर लीजिए। फिर वो भागे भागे पहुंचे तेजस्वी यादव लालू यादव के पास, वहां भी बताया गया कि ऐसे ऐसे ये है कि जेडीयू 16-17 सीटें लड़ना चाहती है तो उससे कम हम लड़ेंगे नहीं, बाकी बची 6 सीटें, तो 6 सीटें में से कांग्रेस को कितना देंगे, आपको कितना देंगे और माले को कितना देंगे, माले के 12 विधायक हैं, जाहिर तौर पर उसकी दावेदारी ज्यादा होती है। तो यही सोच करके डी राजा ने मुलाकात की और डी राजा ने मुलाकात के दौरान जो जानकारी सामने आ रही है अब 24 घंटे 48 घंटे के बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इंडिया अलायंस से अलग होकर भी चुनाव लड़ेंगे। 3 सीटों पर दावा ठोक दिया उन्होंने, बेगूसराय, बांका और मधुबनी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे वो। तो ये अपने आप में ये भी दावेदारी हो गई, 17 पर आरजेडी, 17 पर जेडीयू और 3 सीटें ये और 9-10 का राग ला पड़ रही है कांग्रेस। अब माले को भी कम से कम चाहिए 2-3 सीटें, अगर 3 सीटें ये चाह रहे हैं 2 विधायक वाली पार्टी तो माले के तो 12 विधायक है तो उससे ज्यादा इनकी दावेदारी बसती है। लेकिन अगर इसको मैनेज करने की बात आती है कि कैसे मैनेज हो सकता है तो बिल्कुल मैनेज हो सकता है। 3 सीटों की दावेदारी जरूर प्रस्तुत की है या उनके जो राज्य वाले जो बैठक होती है उसमें सैद्धांतिक सहमति भी बनी है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है और यही सहमति का की जानकारी उन्होंने दी है डी राजा ने जाके। लेकिन मसला कहाँ सुलझ सकता है, सब कुछ त्याग करना होगा और जो जितनी बड़ी पार्टी है उसको उतना त्याग करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला भी सामने आ रहा है कि न 17 न 16, अगर 15 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी तैयार हो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो रेस्ट बची 10 सीटों में से 6-7 सीट कांग्रेस को दी जा सकती है, आराम से वो तैयार हो जाएगी। पिछली बार 9 सीटों पर लड़ी थी,
दो सीटें माले को और एक सीट सीपीआई को। सीपीआई बेगूसराय में किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये क्लियर मान लीजिए। बाकी दो सीटों पर ठीक है कम्प्रोमाइज कर सकती है या फिर फ्रेंडली फाइट भी चल सकती है, लेकिन बेगूसराय लड़ेगी ही लड़ेगी। सीपीआई डी राजा ने साफ कर दिया है, तो आसानी से चीजें सुलझ सकती है, लेकिन चीजें सुलझानी हो तब तो यहाँ तो लेकिन लेकिन चीजें कैसे सुलझेगी? चीजें सुलझाने के बजाय अगर आदमी सुलझाने पर ध्यान दे तब तो, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पेट फंसते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग कह रहे हैं जो सीपीआई कह चुकी है जो तीन वो अलग से चुनाव लड़ेगी, तो अब मतलब अब आप ये तो कह सकते हैं ना गठबंधन में, मतलब इस बातों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं जो गठबंधन में तो सब कुछ तो ठीक नहीं है, कोई किसी का बात मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही अंशु मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सीपीआई ने तीन सीटों पर दावा किया, वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर 15-15 पर बात बने, वो लोग लड़ने को तैयार हैं, हो जाए तो फिर वो एक सीट पर मान सकती है। उधर माले ने जिससे 12 विधायक है दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी के, उसने 5 सीटों पर दावा ठोक दिया कि मुझे 5 सीट चाहिए, 5 सीट पर वो सीपीआई 3 सीट पर, 9 सीट पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है, 17 सीटों पर जेडीयू, 17 सीटों पर आरजेडी। तो ऐसे तो होने जा रहा है, तो यही एक जो निकल करके सामने आ रहा है कि अगर 15-15 सीटों पर दोनों लोग तैयार होते हैं आरजेडी और जेडीयू, तब जाकर के बात बन सकती है। लेकिन अगर वो तैयार होते हैं तो, लेकिन जेडीयू का जो स्टेटमेंट है, जेडीयू पता हुआ है एकदम बिल्कुल कि वो जो 16 सांसद हैं उससे कंप्रोमाइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब जाहिर तौर पर 15 कंप्रोमाइज नहीं होने के पीछे ये भी आशुतोष सर ये भी बातें सामने है, तो कंप्रोमाइज कैसे होगा जब उनके सिटिंग एमपी 16 है, तो आप कैसे सीट को कम कैसे करिएगा, ये भी तो बात है ना। नहीं नहीं अब जितनी देखिए चुनाव में वो परिस्थिति कुछ और थी, अब परिस्थिति कुछ और है, त्याग की जो बात थी, एक डिमोरलाइजेशन वाली बातें हो जाती है ना। अगर आपके 16 सिटिंग एमपी है तो आप सिटिंग एमपी कैसे टिकट काटेंगे? नहीं 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 देखिए यहाँ पे देखिए 16 सीट सांसद हैं, जेडीयू तो चाहता है कि मुझे इतना चाहिए, क्योंकि 16 में से अगर 15 आते हैं तो एक सांसद का टिकट काटना होगा जो सिटिंग सांसद है, और जेडीयू को ये डर सता रहा है कि जिसका टिकट काटेंगे वो बीजेपी के साथ ना चला जाए। ऐसे कई सांसद के बारे में बीजेपी की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या उनको टिकट कटने का डर है, तो यही डैमेज कंट्रोल करने जेडीयू आखिर क्यों अड़ा हुआ है, इन्हीं सब बातों को डरा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कम सीटों पर समझौता करें तो हमारी पार्टी में या सांसद टूट ना जाए, तो बाध्यता सब जगह है, सारा कैलकुलेशन हो रहा है। और जेडीयू उतनी सीटों पर लड़ेगा तो आरजेडी 79 विधायक वाली पार्टी है, तो वो कम पर कैसे लड़े, उसकी बाध्यता है, उसका ईगो क्लैश कर रहा है। वैसे ही 19 विधायक वाली कांग्रेस है, लीड कर रही है पूरे इंडिया में इंडिया अलायंस को, तो वो कैसे कम्प्रोमाइज करे, 9 सीटों पर लड़ी थी तो ज्यादा से ज्यादा कितना पर, 2 सीट कम्प्रोमाइज हो जाए, 3 सीट हो जाए, अब कहा जा रहा है कि 4 सीट देंगे, तो इतने पर कांग्रेस भी तैयार नहीं, सबका ईगो क्लैश कर रहा है, सबकी महत्वाकांक्षा है और सबने एक दूसरे को टिकट, कई चीजें ऐसी है कि सबने अपनी पार्टी के जो जो नेता संभावित उम्मीदवार है उनको कह भी दिया है कि आप तैयारी कीजिए, उससे बैक होने का भी सवाल नहीं है। वैसे ही सारे दल में हो चुका है, इंडिया अलायंस की कल्पना बाद में हुई ना, 4-5 महीने पहले जून से सब कुछ चल रहा है, जबकि चुनाव की तैयारी जो दल है वो पहले से ही कर रहे हैं, संभावित उम्मीदवार तलाश रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं लोग, ऐसे में सबको तो यही सारी चीजें चल रहा है। लेकिन एक फॉर्मूला वही है कि अगर 15-15 ये लोग लड़ते हैं तो 10 सीटों में मैनेज किया जा सकता है, एक सीट पर सीपीआई को मनाया जा सकता है, 2 सीट पर माले को मनाया जा सकता है, और कुल मिलाकर के 6-7 सीट कांग्रेस लड़ जाएगी, तो फिर बैलेंस वो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा त्याग करना होगा, सबसे बड़ा किसी को करना हो तो वो जेडीयू को, नीतीश कुमार को, जिसके लिए फिलहाल जेडीयू की तरफ से कोई तैयार नहीं है, नीतीश कुमार तैयार नहीं है अंशु। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बातें होंगी, जो त्याग जो करने वाले दल हैं वो त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपने बताया जो सीट जो मतलब शेयरिंग हो रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो है तमाम जो बात आपने कही, इस बातों में यही प्रतीत हो रहा है जो जब तक एक दूसरे को लेकर के जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा तब तक जो आसानी से इंडी अलायंस जो है उसके अंदर जो है सीटों की बंटवारा नहीं हो सकती। बहरहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही तमाम वीडियो को देखने के लिए आप आईबीटीवी के साथ बने रहे।